बारिश ना यार, रात को बहुत ज्यादा बारिश पड़ी थी यार, तो दिन को हमने सोचा कि चलिए देखते हैं कि आगे रोड कैसा होता है। भाई जान, इस रोड पे ना यार थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि मोड़ शोर यहाँ पे ना इतनी, क्योंकि भाई इस मौसम को ना यार, इस मौसम की फीलिंग कोई समझ सकता है यार। यार भाई ये भी ना यार, ऊपर से पत्थर गिरा है रोड में, नीचे से गाड़ियां भी छोड़ रहे है, और रास्ते में पूरे पत्थर ही पत्थर है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। देखा आपने तो सोचो कि भाई यार आप कब से डिलीवरी बॉय बन गए, आपने बताया भी नहीं। भाई बानीहाल के करीब पहुंचने के बाद ना जाम जो है वो अच्छा खासा लग गया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहेल अर्शिद व्लॉग्स। ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास हूँ। तो भी कर रहे हैं आज का एक फ्रेश और प्यारा सा छोटा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, कि आप सब आज के व्लॉग को पूरा वॉच करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। आज मौसम जो था ना यार, काफ़ी सुहाना था, तो मैं और मेरे साथ मेरे एक भाई हैं मिस्टर मुबारक डैंग, तो मौसम ऐसा सुहाना था कि प्लान हुआ कि चलिए कहीं चलते हैं। तो हम निकल आए अपने मगरकोट से नेशनल हाईवे की तरफ बाइक लेकर, और हमने सोचा कि चलिए चलते हैं आगे तक और देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम निकले हैं अभी यहाँ रामसू से, और देखते हैं कि आगे का सीन क्या होता है। वैसे भाई बारिश ना यार, रात को बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी यार, तो दिन को हमने सोचा कि चलिए देखते हैं कि आगे रोड कैसा होता है। बहरहाल भाई ट्रैफिक मूवमेंट जैसे है ना, ऐसा लग रहा है कि शायद ना रोड अच्छा होगा, साफ होगा, क्योंकि गाड़ियाँ ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो चल रही है। ये जो जगह है, ये जगह है रामसू से थोड़ा निकलने के बाद आती है, यहाँ पे भी ना एक छोटा सा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, और ये रहा ऊपर का पहाड़। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यार इस जगह का आपको क्या फुल व्लॉग चाहिए, अगर एक और व्लॉग हम इस जगह का बनाएं, आप लोग अगर बताएंगे ना तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, आज सीधा ही आगे निकल रहे हैं, हम देखते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे। अभी तो कोई डिसाइड तो नहीं करा है कि हमने हम जा कहाँ रहे हैं, निकल तो आए हैं। और व्यू देखो भाई, और मौसम ना यार, सावन का महीना और इतना ठंडा ठंडा मौसम यार। जो जगह है, इस जगह से ना एक ये रास्ता जाता है ऊपर की ओर, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा गांव है। अब तो वैसे रोड बन रहा है उस वाली साइड से, लेकिन अभी फिलहाल ना लोग यहाँ से ही जाते हैं। और ट्रैफिक ना यार काफ़ी रश में चल रहे हैं, खासकर पैसेंजर्स गाड़ियाँ ना जो वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो है वो चल रही है आज। वैसे भाई मुझे पता है कि आप लोग को आवाज़ बहुत कम आ रही होगी यार, क्योंकि आप लोग को पता है कि यार तुम्हारे भाई के ना, तुम 3K करवा दो ना, एक नया फ़ोन लाएंगे उसके बाद ना, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि कौन सा वाला फ़ोन लाएंगे। तो जो भी मैंने इस वाले लोकेशन से बनाया हुआ था व्लॉग, अरे यार पत्थर है यार रोड में, मैं काम कर रहे पर पत्थर भी नहीं उठाए हुए हैं यार। अच्छा यार इधर, यार भाई ये भी ना यार, ऊपर से पत्थर गिरा है रोड में, नीचे से गाड़ियाँ भी छोड़ रहे हैं, और रास्ते में पूरे पत्थर ही पत्थर है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। गाड़ियाँ रोक के रखो, पत्थर हटाओ, फिर गाड़ियों को छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर यार मैं क्या बोल रहा था भाई, कि भाई हालात देखो यार। और भाई ये जो जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, एक खूबसूरत सा फ्लाईओवर, जो कि मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था यहाँ के रिलेटेड, इसके इस वाले फ्लाईओवर का एक शॉर्ट भी डाला हुआ था, तो उसी पर कुछ बंदों ने कहा था कि भाई हमें इसका भी शॉर्ट। तो फिलहाल आज निकल गए यहाँ से सीधा ही, तो देखते हैं कि कल का व्लॉग जो डालेंगे हम इसके रिलेटेड डालेंगे, यहाँ पर आएंगे कल ना स्पेशली और इधर बनाएंगे व्लॉग। यार भाई पता है क्या यार, यहाँ पे बारिश ही नहीं पड़ी है क्या? अबे यार गर्दा देखो कितना यार, भाई भाई यहाँ से आगे ना पूरा गीला था यार, बारिश इतनी ज्यादा पड़ी थी ना, भयानक वाली बारिश, और यहाँ से गर्दा यार तबाही यार, यानी बारिश पड़ी ही नहीं है यहाँ शायद यार। यार पता है क्या, हमारे यार मगरकोट में बारिश थी यार, और इधर ना 3-4 किलोमीटर आगे आए भाई बारिश ही नहीं है, और रोड देखो आप कितना सूखा सूखा पड़ा हुआ है, इस जगह पे ना तब खराब रोड हुआ करता था यार। अब ना थोड़ा सा मेंटेनेंस बनाई है ना, मेंटेनेंस रखी थोड़ी, आजकल थोड़ी अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, तो ये आ गया टनल नंबर 13। भाई मैं तो चश्मा भी भूल गया यार, शॉप पर ही मैं चश्मा भी छोड़ गया, मैं सोचा बारिश है यार तो चश्मे को क्या करना है, पर इतना ज़्यादा गर्दा है ना यहाँ यार, क्या ही बोले यार। तो भाई कुछ ऐसी वाली लोकेशन पर आप भाई हम रुके, यहाँ पे थोड़ा सा सामान था, डिलीवरी वाला सामान था,
ये जो है यहाँ पे देना है। वैसे आपने सोचना है हम डिलीवरी बॉय है यार, जैसे अब आ रहे थे तो ले आते आए हम बंदे का, आपने तो सोचो कि भाई यार आप कब से डिलीवरी बॉय बन गए, आपने बताया भी नहीं तो उसको। और भाई ये रहा टनल 13, B13 वाला टनल भाई, और अगला व्लॉग जो आएगा भाई वो इसी वाला व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि कल वाला व्लॉग जो है वो इसी टनल वाला आएगा। शमलवास भाई ब्यूटीशन, ब्यूटी देखो यार जबरदस्त माशाल्लाह। और भाई ये जगह शमलवास से यानी बानिहाल तक है ऑलमोस्ट जो रोड कंप्लीट है, यानी 100% कंप्लीट हो गया। ऊपर से मैग्नमाइजेशन की तैयारी चल रही है और नीचे वाले साइड पे मैग्नमाइजेशन जो है वो टोटली हो गई है। तो भाई आगे जो है वो कुछ जाम नज़र आ रहा है, तो शायद वह जाम ही होगा आगे। वैसे भी ना यार हमारे बानिहाल में ना आम का जाम होता है, मार्केट में ना जाम हो, जब तक ना फ्लाईओवर उसका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद बाईपास हो जाएगा तो फिर जाम वगैरह जो है वो कुछ नहीं होगा। तो भाई यहाँ से हमारे कुछ यात्रियों की गाड़ियाँ जो है वो इस साइड से रोक के रखी हैं, अब शायद तैयारी में हैं और इनको छोड़ा जाएगा यहाँ से आगे। तो फिलहाल जा रहे हैं हम बानिहाल की ओर, रोड पर जो है वो तमाम बसेस जो है वो अभी तक रोक के रखी हुई है। भाई बानिहाल के करीब पहुंचने के बाद ना जाम जो है वो अच्छा खासा लग गया है। तो भाई फाइनली हम बानिहाल पहुंच गए, यानी पहुंचने वाले हैं, स्टार्ट बानिहाल यहां से होता है, पर यहां पे ना जाम होता है। वैसे भी ट्रैफिक जो है यात्री जो है ना वो पीछे रोक के रखे हैं तो उनको छोड़ा जाएगा, इसलिए उसके कारण एक साइड से जाम है और एक साइड से अभी खुला ही है। फाइनली भाई बानिहाल पहुँच गए और यह है बानिहाल बूंद का नज़ारा। तो भाई यह है बानिहाल की कुछ मार्केट, पर यहाँ पे ना संडे जो है वो ऑफ होता है, तो हमें भी पता था, पर इसलिए हम निकले हैं सीधे। अब देखते हैं कि आगे कहाँ चलेंगे, रेलवे चलेंगे या नहीं। भाई पहुँच गए बानिहाल, ये देखो संडे ऑफ, हमें जाना है ऊपर तक हायर सेकेंडरी के पास जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम है और आए फिर वापस चलते हैं वहाँ की तरफ। तो भाई बानिहाल आए तो हायर सेकेंडरी नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा ही है आने का। तो अभी पूछा मैं हायर सेकेंडरी, यहाँ पे मैच चल रहा था और बाकी इस साइड डग आउट ना BPL के लिए जो डग आउट थे वो इस साइड वाले हैं, और फिलहाल ना मैच ऐसे चल रहा था संडे वाला मैच, तो मैं भी मैच देखने स्टार्ट हो गया। भाई अभी तक गए थे हायर सेकेंडरी, आए वापस, सब चलते हैं वापस घर की तरफ, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी काम था बानिहाल में वो तुम्हारे भाई का हो गया, तो अभी निकले हम यहाँ से वापस मगर कोर्ट की तरफ। तो भाई इस मौसम की कदर ना कोई जानता है यार, हर बंदा फील नहीं कर सकता है ऐसे मौसम को। माशाल्लाह जबरदस्त क्या व्यू लग रहा है यार कसम से। और जा रहे हैं हम वापस अपने मगर कोर्ट की ओर, यहाँ पे ना बारिश वगैरह है, चूँकि मैं पहले भी बताया था कि बारिश नहीं पड़ी हुई थी, तो हमारे मगलकोट में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, तो इसलिए मैंने रास्ते से निकलने के बाद ही व्लॉग स्टार्ट करा था, तो इसलिए एक बार फिर कहता हूँ कि तमाम भाई लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 2.5K करवा दिए, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 3K जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दो, और फिर हम एक और नया फ़ोन क्वालिटी वाला फ़ोन लेंगे और आपको भी बताएंगे कि कौन सा वाला। गांव देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार कसम से, और गर्दा ना यार बहुत ज़्यादा गर्दा यार। जब भी आप लोग राइड करेंगे अगर बाइक पर आते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहना करें, क्योंकि ना यार गर्दा बहुत होता है। वैसे मेरे को भी हेलमेट लगा के, और ये रहा टनल नंबर 13 का व्यू, और लगभग ये जल्दी ये हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, और अगला वाला व्लॉग जो आएगा वो इसी टनल का आएगा। तो फिलहाल अभी आज के दिन टाइम कम है, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा आगे। भाई ऐसे मौसम में भी गर्दा होगा तो फिर क्या मजा आया नज़ारे लेने का यार, लेकिन ये गर्दा वर्दा कब कम होगा यार। चलो आकर आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर हो जाएगा कम। बाकी ये देखो वेव, और यहाँ की वादियाँ खूबसूरत सी वादियाँ। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे पहुँचने के बाद। भाई ये देखो यहाँ पे यार गाड़ी ना यार एक्सीडेंट हो गया है, पूरी गाड़ी ना नाली में चली गई है यार।
भाई जान इस रोड पे ना यार थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि मोड़ सोर यहाँ पे ना इतनी खतरनाक लेंस जो है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा आराम से चलना चाहिए। एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होता है, जैसे आपने देखा पीछे ट्रक जो है एक्सीडेंट जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं इस वाले रोड पे, इसलिए ध्यान से यहाँ पे ड्राइविंग करनी चाहिए, सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए और यहाँ से नज़ारे लेने चाहिए, इन खूबसूरत सी वादियों के नज़ारे लेने हैं। तो भाई ये वाली जगह जो है इस वाली साइड भी फ्लावर जो है वो सामने से बन रहा है, अभी बिल्डर्स का ही काम चल रहा है, बहुत नीचे अभी बिल्डर्स है, तो इस साइड से पूरा जो है वो बिल्कुल बाहर से बनेगा, इन दोनों पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में होगा। और बाकी ये है व्यू यहाँ का, कुछ रोड का खूबसूरत नज़ारा। पर फिर से बोलता हूँ कि भाई इस मौसम को ना यार, इस मौसम की फीलिंग कोई समझ सकता है यार, सावन का मौसम और तो फाइनली भाई अभी मगरकोट पहुंचने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि आज के इस छोटे और प्यारे से व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। होप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे बंदे तो वीडियो व्लॉग को वॉच ज़रूर करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए कि आप लोग सभी जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है एक बार प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। ओके बाय बाय।